So guys, I've already moisturized my skin और मैंने अपने आँखों के नीचे एक eye cream भी लगाई है ताकि हमारी आँखों के नीचे concealer से creasing ना हो और उसके बाद मैं अपने dark circle ये orange color corrector से थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। उसके बाद उस कंसीलर को मैं थोड़ा सा फेस पाउडर से हल्के हल्के टैप करके थोड़ा सेट कर लूँगी ताकि वो ऑरेंज कलर करेक्टर मूव नहीं हो इधर उधर। उसके बाद मैं ये एनास्थासिया का ब्राउ पोमेड यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो को डिफाइन करने के लिए। दीपिका की इस लुक में आईब्रोज आगे से थोड़ी राउंडेड है तो मैं भी अपनी आईब्रो थोड़ी राउंडेड करूँगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट यूज़ करें, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दीपिका की फ़ोटो देखेंगे तो उनके लुक में बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रोज ड्रॉ की गई हैं तो मैंने भी एग्जैक्टली वही किया है और आगे से थोड़ा सा राउंडेड शेप दिया हुआ है। उसके बाद मैं ये कंसीलर लेके और अपनी आईब्रोज को काव आउट कर लूँगी और उसी सेम कंसीलर को मैं ड्रैग करके एक आई शेडो बेस की तरह भी यूज़ करूँगी। मैं थोड़ा स्पंज लेके और थोड़ा एक्सेस जो भी है उसे रिमूव कर लूँगी और कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमारे आईज़ पे क्रीजिंग ना हो और आई शेडो सब अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो मैं ये फेस पाउडर लेके हल्का सा कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप दीपिका की फ़ोटो देखेंगे इस लुक में तो उन्होंने ब्राउन स्मोकी आई पहना है अपनी वेडिंग के लिए। सो वही लुक क्रिएट करने के लिए मैं ये जैकलिन हिल पैलेट यूज़ करूँगी। इसमें बहुत सारे ब्राउन शेड हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही पैलेट यूज़ करें। आपके पास अगर जैकलिन हिल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें ब्राउन के शेड हों, कॉपर के शेड हों, या फिर आप अपना ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए एक ड्रग स्टोर पैलेट जैसे कि मेबलिन न्यूड्स पैलेट भी बहुत अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं एक लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो लूँगी फॉर माई ट्रांजिशन। उसके बाद मैं ये थोड़ा सा डीप ब्राउन यूज करूंगी। और उसके बाद ये मैं डार्क चॉकलेट ब्राउन यूज करूंगी। अगर आप दीपिका की फोटो देखेंगे तो उनके ब्राउन आई शेडो डार्क से लाइट होते जा रहे हैं तो हम भी वही करने की ट्राई कर रहे हैं। इस पैलेट से ये डार्क बर्गंडी ब्राउन एक स्मजर ब्रश पे लेके और बिल्कुल मेरे लैश लाइन के पास में लगाऊंगी और स्मोक आउट करूंगी।
अपने लोअर लैश लाइन पे मैं ये कोल पेंसिल लगाऊंगी। और इसी पेंसिल से मैं टाइट लाइन भी करूंगी। और सेम पेंसिल से मैं मेरी अपर लैश लाइन के बिल्कुल बिल्कुल बगल में, हमें लाइनर नहीं लगाना पर बिल्कुल बगल में एक लाइन क्रिएट कर लूंगी। सेम चॉकलेट ब्राउन आई शेडो से मेरी लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन को स्मज कर लूंगी। और इस क्रीम आई शेडो से मैं मेरी ब्राउ बोन हाईलाइट कर लूंगी। और ब्लेंडिंग ब्रश से दोनों को ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं अपने जो भी फॉलआउट्स हुए हैं उसे मैं एक वेट टिश्यू से वाइप ऑफ कर लूंगी। उसके बाद मैं ये बेनिफिट का पोर प्रोफेशनल प्राइमर लेके अपने फेस को प्राइम कर लूंगी। उसके बाद ये मैं मैक का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, द शेड नंबर इज NC30। फोटोज में आप देख सकते हो कि दीपिका की अंडर आई बहुत हाइलाइटेड है, सो मैं भी अपनी अंडर आई हाइलाइट कर लूंगी ये टार्ट शेप टिप कंसीलर से। मैं थोड़ी देर ये कंसीलर को सेट होने दूंगी मेरी आंखों के नीचे, मैं बाकी का कंसीलर ब्लेंड कर लूंगी। तो मेरे अंडर आई को सेट करने के लिए मैं ये कैटफोन डी से येलो कलर का बनाना पाउडर यूज करूंगी। और मेरे बाकी के फेस को सेट करने के लिए मैं ये मैक का फाउंडेशन पाउडर यूज करूंगी।
ये फाउंडेशन पाउडर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज देगा और आपको इस मोमेंट पे अपने पाउडर को ऐसे स्टैम्प करना है अपने फेस पे, ना कि ऐसे स्वर्ल करना है या ड्रैग करना है, उससे हमारा फाउंडेशन मूव हो सकता है। अगर आप दीपिका की फ़ोटो देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोर किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉन्जी लुक दिया हुआ है अपने स्किन को। सो पहले मैं कॉन्टोर के लिए ये मैं कैट वन डी का पैलेट यूज़ करूँगी, इसमें से मैं ये मीडियम शेड बीच वाला यूज़ करूँगी। तो दीपिका ने अपने लुक में कोई भी ब्लश नहीं लगा रखा जहाँ तक मुझे दिख रहा है, बट स्किन बहुत ही ब्रॉन्जी है। सो मैं ये ओ माय गॉड भी ब्राउन का शिमर ब्रिक यूज़ कर रही हूँ और मेरा ब्रिक ब्रोक हो गया है, फीलिंग वेरी बैड। सो मैं ये गोल्डन शेड नहीं लूँगी, बाकी ये जो ब्रॉन्जी शेड है ये सारे शेड को मिक्स करके और मैं अपने स्किन को थोड़ा ब्रॉन्ज अप करूँगी। सो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आईज़ पे और मैं अब ये मस्कारा लगा के अपने आई लैशेज कोट कर लूँगी। दिस मस्कारा इज़ रियली गुड, आई एम यूजिंग दिस मस्कारा फॉर द फर्स्ट टाइम और आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हो। सो फोटोज़ में मुझे दीपिका की आईज पे कोई फॉल्स लैशेस नहीं दिखी, मे बी दीपिका ने अपनी लैशेस एक्सटेंशन करवाई हो, बट बहुत ही नेचुरल लुक लग रहा है तो मैं भी अभी इस लुक के लिए फॉल्स लैशेस स्किप कर रही हूँ। Although this mascara is really good. और लिप्स पे दीपिका ने बहुत ही ब्राउनिश न्यूडिश लिपस्टिक लगाई है और लिप्स के लिए मैं आपको दो तीन ऑप्शन देना चाहती हूँ। आप हुडा ब्यूटी की ट्रेंड सेटर भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर कैट वन डी की लॉलिता, और अगर ये दोनों ही आपको अगर अवेलेबल नहीं होती तो आप ये दिस वन इज़ माई फेवरेट एक्चुअली, ये कलर बार की किस प्रूफ लिपस्टिक है, 007 इज़ द नंबर एंड हॉट लाटे इज़ द नेम ऑफ दिस लिपस्टिक एंड दिस लिपस्टिक इज़ रियली गुड। और ये मेरी आई थिंक फोर्थ बॉटल है इस लिपस्टिक की, तो आप देख सकते हो मैं इस लिपस्टिक से कितना प्यार करती हूँ। एंड दिस वन इज़ रियली क्लोज ड्यूब फॉर दिस कैट वन डी लॉलिता, और या फिर आप ये कलर बार की ही एक और लिपस्टिक है 108 गो ऑन स्टेज द नेम ऑफ दिस लिपस्टिक एंड ये शेड भी क्वाइट क्लोज है जो लिपस्टिक दीपिका ने लगाई है। और आज के लुक के लिए मैं पहले ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक लगा के देखूंगी और इफ़ मुझे रिक्वायर रहा तो मैं इस पे लॉलिता को भी अप्लाई करूंगी, बिकॉज मुझे दो लिपस्टिक लगाना पसंद है, एक लिपस्टिक लगा के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।
व्हाट डू यू थिंक? मुझे एक लिपस्टिक और लगानी. सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये कैट वॉन डी की लॉलिता भी अप्लाई करूंगी. ये लुक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा विदाउट अ सिंदूर बिंदी. So that's it for this video. I hope you really like this video, and if you did, then please do subscribe to my channel and hit that like button and share this video with your family and friends. And thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Until then, bye bye, take care, love you, bye.